प्रणाम ब्रजमोहन शर्मा, मोदी नगर, मोदी नगर। हाँ जी, देखो जी यहाँ तो कुछ ऐसा ही है मामला के मोदी सरकार का ही मामला ज्यादा है। इसका कुछ ऐसा आए तो सब लोग बाग ये सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी से अकेले सब मिलकर लड़ना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का कुछ पीछे अच्छा चला था, राहुल गांधी के शब्द कुछ ऐसे हैं कि जो बोलना चाहिए था तमीज से बोल रहे हैं बदतमीजी से। भाषण तो देने आते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि डरपोक भी हो, ये कांड जो हुआ था इसमें डरपोक भी बताया उसने, और हाँ डरपोक भी बताया और जो चोर भी बताया। आतंक बताइए आप क्या, कितनी गंदी बात है। जो शहर का मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया वाह वाह कर रही थी इसके बारे में, उसको मतलब ऐसी ऐसी गंदी बात बताई जा रही है तो नालायक तो है ही कोई भी हो। नहीं, हम भी कांग्रेस ही थे पहले कभी, लेकिन जब ये आदमी नहीं रहा कोई इसमें करे क्या। राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं संभाल पाएगा। आप एक कांग्रेसी हैं जी, मोदी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं तो बताओ, ऐसे 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 आदमी को ऐसे शब्द कहना, अच्छे तरीके से शब्द बोलते हैं उनको ये कहते हैं कि इस टाइम हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्शन तो अपने अपने होते हैं, सबको लड़ना ही है, लेकिन ऐसे शब्द मोदी को नहीं कहने चाहिए थे। जहाँ मोदी की वाह वाह हो रही हो वहाँ तो मोदी से ऐसे गंदी से शब्द बात कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है ये। जी 100% मोदी को वोट देंगे। कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, आज तक चला ही नहीं इतना ऐसा, अभी नहीं देखा। या तो इंदिरा थी जी, या तो इंदिरा गांधी थी अपने टाइम में, या फिर ये आए हैं। बताइए इससे ज्यादा मजबूत नेता कौन होगा। और इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे हमारे प्रधान, वो तो हमारा इसका इनका बिलाऊ था, वो तो कांग्रेस का जो कहना है कांग्रेस को, राजीव गांधी की माँ को जो कहना है वो ही कहना है उसको, तो सोनिया गांधी जो कहेगी वही उसको बोलना है। राहुल गांधी ने एक बार देखिए बताओ कितनी गंदी बात है। इसका राजा वाली बात ही नहीं रही कुछ। राजा अगर उन्होंने कैबिनेट का जो अध्यादेश था वो फाड़ दिया तो वो किसी राजा से कम है क्या? राजा से कम तो नहीं है, लेकिन तरीका थोड़ी है ये। ये तरीका नहीं है, देखो घर का पर्चा थोड़ी था जो फाड़ दिया, सरकारी मामला था ये तो, सोच समझ के बात करनी चाहिए। कल को ये भी तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, कल को इनके लिए कोई ऐसा कहने लगे तो फिर क्या होगा। गलत बात तो गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैसे वहाँ तो जो होना था ना पहले उस साइड में हो गया, वो कांग्रेस का चक्कर जो आ गया थोड़ा बहुत मिलजुल के, बाकी अब कुछ नहीं आएगा कहीं भी। मोदी का बोलबाला बढ़िया है जी, बिल्कुल सबको एक एक तरफ, परिवार नहीं एक तरफ से ही वोट सब उसको देंगे, गाँव का गाँव। विरोधियों को तो सिर्फ घर घर की वोट मिलेंगी उनकी, या जो उनके तेल लगाने वाले हैं उनकी वोट मिलेगी, हाँ इनके अलावा वोट नहीं मिलेगी उनको, हाँ वो देंगे उनको। हम बताइए बताओ इसका इसका भी वो मांग रहे हैं, बदला ले रहे हैं, इसका भी वो मांग रहे हैं कि दिखाइए इसको, बताइए सेना से सबूत मांग रहे हैं। अब बताइए वहाँ जाके कुछ गिनेंगे थोड़ी, वो जाके कि झाड़ी में कौन कौन मरा है। हमारे यहाँ तो मरते हैं तो हम तो पकड़ लेते हैं उनको, या मारे को देख लेते हैं दो चारों को। अब 250 या 500 आदमी कहाँ देखते हैं मरते हुए मरते हुए। हाँ ऐसा है, इसकी भी बुद्धि खराब हो रही है, अभी हारेगा वहां से, बीजेपी का है चक्कर जहाँ भी है। अब हाँ ज्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि वो बल्कि उसकी तरफ बोलना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ मिलकर बोलना, उसकी तरफ बोलकर मिलना चाहते हैं, जो ये हमारी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी कह रहा कि भारत ने हमला नहीं किया, बल्कि गद्दार इनाम दिया जाएगा जैसे आदमी को तो। अच्छा। और क्या था कोई गद्दार ही है साले, जब जब एक आदमी इतना बढ़िया काम कर रहा है और कट टांग खींच रहे हैं तो ये गद्दार ही है, जिसमें तो पहले से ही राजा है, इन्हें चुप भी बैठ जाना चाहिए, इन्हें क्या दिक्कत है। इनके खाने पीने हेलीकॉप्टर जहाजों में इनके लिए क्या कमी है, इन्हें तो बैठ जाना चाहिए, जब कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो आगे उसका साथ देना चाहिए कायदे में। काम सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक। मेरा नाम अर्जुन सिंह,
यूपी से, क्या लग रहा है 2019 का माहौल? 2019 का माहौल सीधा मोदी के साथ, सीधा मोदी जी आएंगे जी दोबारा से? कितनी बार आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आगे तो फिर दोबारा अटके जल्दी जल्दी जीते जी। हाँ तो क्या लग रहा है देश का काम काज सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए और अच्छा होगा आने वाले समय में। प्रतापगढ़ वाले में जो सबसे एक बड़ा स्टेट है जहाँ पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती है, वहाँ मायावती और अखिलेश एक साथ आती है, तो बेकार है, कोई मतलब की जड़ नहीं है। बोना छोड़ो, ठीक है, जितने भी ये नेता है सारे बोना कर दिया उत्तर प्रदेश को, जैसे मायावती और मुलायम सिंह बोने हैं वैसे ही उन्होंने बोना कर दिया भारत को। मुलायम सिंह ने तो मोदी को आशीर्वाद दे दिया आप दोबारा प्रधानमंत्री बनो, तो अखिलेश यादव को वहीं छोड़ देना चाहिए ना कमाल, जब मुलायम सिंह तो अपने पापा की मानते नहीं, बाप की नहीं मानना तो देश की क्या मानेगा, उसने तो अपने पापा को ही पार्टी से वो करने से क्या होता है बर्खास्त, जब बाप रहेगा बेटा बेटा ही रहेगा। मायावती से चले गए इतने सालों तक, इन्होंने मायावती और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया कि आप इस समय राज करो, इस समय हम विरोध में रहेंगे, और आज एक साथ मिल गए। वो कुछ भी हो लेकिन फिर भी चचा भतीजे नहीं मिल रहे, चाचा चचा भतीजे अलग अलग हो गए हैं। हाँ तो कुछ नहीं हो सकता, बात जब घर की नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर की क्या बनाएंगे। आकाश कुमार मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। हाँ नरेंद्र मोदी, हाँ कुछ नहीं सब हवा में उड़ जाएंगे। वो बढ़िया आदमी है। वो तो उसे लग रहा था इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था, नहीं तो बाकी मोदी बढ़िया आदमी है। अरे गरीबों के लिए सब, गरीब का भी कुछ नहीं होना, गरीब तो ठीक है अपनी जगह, वो फिर भी ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। हाँ राहुल गांधी के बारे में क्या? वो बेकार है। बेकार है। धन्यवाद। आकाश कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। 2019 का क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव का लग क्या रहा, साफ साफ दिख रहा है मोदी जी आना है। मोदी जी को जो महागठबंधन है, कितने सारे नेता आगे हैं मोदी को हराने के लिए, क्या पहले किसी ने हराया शेर को? जो हराएगा कोई शेर को कोई हरा नहीं सकता। जंगल का शेर मशहूर होता सबको पता है। जो महागठबंधन वाले नेता हैं वो क्या है? शेर मोदी है वो क्या है? वो सब गीदड़ हैं, जब एक साथ हो गए शेर का शिकार करने के लिए। क्यों आए एक साथ? इसके क्या रीजन है कि मोदी का डर है इतना? डर नहीं, अब सारी चोर पार्टी एक हो चुकी है। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? वो कल भी खांस रहे थे, आज भी खांस रहे, आगे भी खांसते रहेंगे। कभी उनकी खांसी खत्म हो जाती है, ऐसा कैसे हो जाता? कभी उनका खांसी खांसना खत्म हो जाता है? कभी कभी मोदी जी गलत कदा छोड़ देते हैं। अच्छा। तो उनकी खांसी कम हो जाती है, फिर दोबारा दबा देते हैं। उनको पता है ना क्या होना क्या है, रिजल्ट उनको खुद पता रहता है इस चीज का। देखो जिसको वोट देना, जो पढ़े लिखे मोमडन है, मोमडन बरादरी भी सही है, लेकिन जो वोट जिसको देना है वो दे के रहेगा, चाहे मोदी जी को दे चाहे और किसी को। वो कल भी आलू बेच रहे थे, आज भी आलू बेच रहे हैं, उनका क्या कहेंगे? वो अंगूठा छापे स्पीच तो देख के देते हैं। वो क्या कहें किसी के बारे में, सबको पता है इंडिया में कौन क्या कर रहा है, सारी चीज़ खुलकर पब्लिक के, हाँ सबके सामने आ रहे हैं स्पष्ट खुलकर। हमारा नाम दीपक है, दीपक है हमारा नाम, दल्लूपुरा मोड़ से हैं, दल्लूपुरा से हैं, यहाँ काम करने के लिए आए थे हम, हमारे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। 2019 में किसे वोट देंगे भाई? हम 2000 मोदी जी को ही वोट देंगे। हैं? हाँ मोदी को ही वोट देते हैं। नहीं मोदी जी का पूरा काम अच्छा लगा, मोदी जी ने ये दो नए निकाल लिए, ये बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा कारण हुआ।
हमारे बहुत अच्छे मोदी जी अच्छे लगे हैं। मोदी जी ने ये सब ई रिक्शा भी निकलवाया, बहुत अच्छा करा हमारा मोदी जी ने, बहुत अच्छा लगा हमारा जो कारण। इंदर सिंह यूपी पीलीभीत से, हम तो सोच रहे मोदी जी आ जाए, मोदी जी अच्छे मोदी को देंगे। हाँ खुश हैं, सही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सही है, जो कर रहे कोई भी है, हम तो कह रहे जो ईमानदारी से काम करे उसको वोट देना चाहिए। ईमानदारी से जो भी पार्टी है ईमानदारी से काम करे, पब्लिक का काम करे, जो भी आए अच्छा काम करे। वो इसलिए को अच्छा काम करेंगे, इसलिए इकट्ठा हो रही है तो अच्छा काम करेंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी ठीक है हमारे लिए, राहुल गांधी भी अच्छा काम करेंगे, ये तो है बनना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का, सबको मिलना चाहिए। कोई उम्मीद है अभी बन सकता है, जब मोदी के ज़्यादा लग रहे हैं, मोदी का चला है। हम कह रहे हैं जो भी पार्टी आए किसी की सरकार आए, लेकिन पब्लिक का थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, गरीब आदमी का सोचना चाहिए, पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सोचना चाहिए कि आगे पब्लिक का क्या होना चाहिए। कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाएं, रोड अच्छे बनाए जाएं, बच्चों की पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो बच्चे बाहर विदेशों में भाग रहे हैं उनको इधर रोज़गार मिलना चाहिए। यही हम चाह रहे हैं। कहा सही जो कर रहे हैं अभी तो थोड़ा सा पहले से तो कुछ सही हुआ है पहले से तो। थैंक यू।